आगे बढ़ते हुए टुडे 24 न्यूज चैनल की टीम जिला संभल के ब्लॉक संभल के गांव रुकनुद्दीन सराय पहुंची। जिला मुख्यालय से इसकी दूरी 24 किलोमीटर, ब्लॉक से मात्र 4 किलोमीटर दूर है। 9000 वोट और 25000 की जनसंख्या वाले इस गांव की कमान श्रीमती परवीन जहां ने अपने हाथों में संभाल रखी है। गाँव वालों ने इन्हें प्रधान चुनकर जिम्मेदारी का सेहरा इनके सर बांध दिया है। इन्होंने भी जिम्मेदारी निभाते हुए गाँव में अच्छा विकास कराया है। ये गाँव विकास के पथ पर अग्रसर है। लॉकडाउन के चलते भी ग्राम प्रधान के द्वारा ग्रामवासियों को काफी मदद की गई है। बताते चलें कि लंबे समय से कई बार इसी परिवार से गांव के प्रधान चुनते चले आ रहे हैं। इनके विकास कार्यों को देखकर ग्रामवासियों में खुशी की लहर है। ग्राम प्रधान परवीन जहां और सचिव अरुण के द्वारा स्कूल के साथ साथ सड़कों का भी काफी विकास कराया गया है। अपने कार्यकाल में इन्होंने किस तरह से गाँव को सजाया है और क्या समस्याएं अभी बाकी है, आइए जानते हैं ग्राम प्रधान पति की जुबान। टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद है ब्लॉक संभल के रुकनुद्दीन सराय ग्राम पंचायत में। यहाँ प्रधान द्वारा अब तक क्या क्या विकास कार्य किए गए हैं, किस तरह से यहाँ लॉकडाउन के चलते लोगों की मदद की गई है और क्या कोशिशें उनकी आने वाले समय में समय रहते जारी रहेंगी, इस सब के बारे में बातचीत करके हम प्रधान जी से आपको बताएंगे। आइए बात करते हैं ग्राम प्रधान से। प्रधान जी, टुडे 24 न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि ये कार्यकाल आपका जो है कंप्लीट होने को है, जितना वक्त बीत चुका है इसमें क्या क्या विकास कार्य आपके हमारे गांव में दो स्कूल थे, प्राइमरी पाठशाला और जूनियर हाई स्कूल, वो दोनों की हालत बहुत खराब थी। हम लोग उन दोनों को जो है बहुत अच्छी हालत में बच गया है। सी सी टाइज वगैरह भिजवाइए, बाउंड्री करवाइए, बहुत सारे काम स्कूल में शौचालय वगैरह हुआ है। इसके अलावा थाना नकासा भी हमारी ग्राम में जाता है, उसमें भी हमने सौंदर्यकरण कराया है। सी सी टाइज भी चाहिए थाने में। थाने और खाने के अंदर आपने अपनी तरफ से ग्राम निधि, उसके अलावा हमारे गांव में पंचायत बहुत खराब थी, उसको भी हमने ग्राम सही कराया है। गांव में बहुत सारे रास्ते बनाए गए हैं जिनकी हालत बहुत खराब थी। गांव पूरी तरह से पक्का हो चुका है या अभी भी कुछ रास्ता बाकी है? पुरानी आबादी तो पूरी तरह से पक्की हो चुकी है, लेकिन क्योंकि हमारा गांव संभल के लिए नज़दीक है और यहाँ नई आबादी तेज़ी से बढ़ जाती है, तो नई आबादी कुछ रास्ते हमारे कच्चे हैं, पुरानी आबादी हमने बिल्कुल पूरी तरह से पक्की कर दी। आवास मिले? हाँ, 24 आवास भी बनाए गए हैं प्रधानमंत्री आवास। आवास मिलने के बाद में क्या अभी भी परिवार, मतलब जो है गाँव में कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्हें आवास की जरूरत है? जी जी, 103 लोगों की हमारी सूची है, 103 लोगों को आवास की जरूरत है, वो हमने उनके नाम भी ठीक करा है। सोलर लाइट, स्ट्रीट लाइट वगैरह लगवाई? नहीं, सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट हमने लाइट तो कोई दिक्कत यहाँ पर प्रकाश को लेकर के, जैसे मतलब गांव में इतना बड़ा गांव है काफ़ी, जैसे हमें कोई दिक्कत होने लगी यहाँ अंधेरा हो या रोशनी की कोई फैसिलिटी ना हो? नहीं, हमारे गांव में बात नहीं कि शहरी लाइट है ना, ये गांव जरूर है, लेकिन संबंध से सटा होने की वजह से लाइट शहरी है। लाइट को लेकर कोई दिक्कत यहाँ पर आती नहीं? कोई दिक्कत लाइट को लेकर नहीं है, आप रात में गांव में हर रोज जो है रोशनी मिलेगी। साफ सफाई की व्यवस्था कैसी है वहाँ? साफ सफाई की व्यवस्था भी ठीक ही है, लेकिन बरसात में आगे थोड़ी दिक्कत तो आप जान लिया तो गाँव में शहरों में हो जाती है धनियाबाद की वजह से। बाकी ठीक है, सफाई करनी जो है रेगुलर आती है? सफाई करने की दो की नियुक्ति है हमारे गांव में, एक नरोत्तम सराय जो हमारा मजरा लगता है, और एक ऊपर लग रहा है, उसके अलावा दो लोग हमने प्राइवेट कर रखा अपने पास से, और उनको जो है तीन लोगों के द्वारा सफाई करनी रहती है। केंद्र सरकार की जो योजनाएं चलती हैं जैसे उज्ज्वला कनेक्शन, बिजली कनेक्शन या किसानों को जो सम्मान निधि का पैसा मिल रहा है, तो आपके ग्राम पंचायत में सभी लोगों को सभी योजनाओं का लाभ लगभग लगभग पूरा 100% मिल पाता है? 100% तो नहीं, लेकिन हाँ 95% मिलता है। जैसे किसान पेंशन योजना की बात है, तो उसमें गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होता है ना, कुछ लोगों का आधार कार्ड का नंबर डॉक्यूमेंट की दिक्कत है, जिसकी वजह से कुछ परसेंट किसानों को हमारी पेंशन मिल रही है, बाकी ज़्यादातर 95-96% लोगों को मिल रही है। अभी जैसे कि इतना मुश्किल समय गुजरा है, इतना मुश्किल वक्त गुजरा है, खासकर गरीबों पर, लॉकडाउन के रहते काम काज नहीं रहा, खाने पीने को लेकर के परिवार के सामने बड़ी बड़ी दिक्कतें आई होंगी, तो ऐसे क्या आपके गांव में भी ऐसे लोग रहे हैं, और अगर हैं तो उनके लिए आपने क्या भूमिका आपने दिखाई, किस तरह की भूमिका? हमारे गांव में ऐसे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, हमने खुद भी और गांव में जो संपन्न लोग थे उनसे कह करके भी काफ़ी लोगों की मदद करा ली, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने राशन तो
जिनके पास राशन कार्ड था उनको तो गाड़ी पाके की राशन भरपूर मिला है, लेकिन कुछ लोग ऐसे जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है उनके आगे भी खाने पीने को लेकर राशन को लेकर समस्या खड़ी हुई रही है, तो उसके लिए आपने जो है मतलब हाँ ऐसे लोगों की हमने एक कमेटी बना करके जो गांव के संबंध हो गए उनको उसमें हमने शामिल किया और ऐसे बहुत सारे सैकड़ों परिवार की हमने लॉकडाउन के चलते जो है मदद की है। और कोई भी आदमी हमारे गांव में भूख की वजह से या राशन न होने की वजह से किसी को भी दिक्कत नहीं। सरकारी बिल्डिंग में यहाँ स्कूल के अलावा बारात घर पंचायत भवन ये बने हुए हैं, पंचायत घर है थाना है और एक पानी की टंकी है, एक बिजली घर है, उसके अलावा एक हॉस्पिटल भी बना था DSP सरकार में, लेकिन उसमें कभी किसी की तैनाती नहीं बना था। मतलब बिल्डिंग है, कितने सालों से ये बिल्डिंग बनी? ये बिल्डिंग है 3-5 साल लगभग 10-11 साल पहले, दस साल से अगर वो बिल्डिंग बनी हुई है तो क्या 10 साल से अभी तक आज तक के समय में वहाँ कोई भी डॉक्टर या नर्स या दवाई कुछ लोगों को फैसिलिटी मिली है या नहीं मिली? नहीं, कभी वहाँ पर किसी की तैनाती नहीं हुई, कोई फैसिलिटी कभी नहीं मिली, बिल्डिंग बनाई गई थी। कोशिश की आपने कि यहाँ पर इसका कुछ मतलब जो है थोड़ा बहुत लाभ यहाँ गांव वालों को मिल पाए? जी हमने कोशिश की है, CMO साहब से मिले सर यहाँ पर किसी की नियुक्ति हो जाए, लेकिन कभी हो नहीं पाया। उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है, हम प्रयास करते हैं अगर कुछ होगा तो हम करवाते हैं, लेकिन किसी की नियुक्ति गाँव में अभी तक कुछ होगा तो अभी तक ऐसे बिल्डिंग बन गई, बिल्डिंग हालत तो जर्जर होने लगी है और किसी की नियुक्ति गाँव में नहीं पाई। आप अपने गांव को और सुंदर विकसित करने के लिए और ज़्यादा डेवलपमेंट आपके गांव में हो इसके लिए क्या प्रमुख मांग सरकार से रखना चाहेंगे, किस तरह की मदद चाहेंगे कि सरकार से आपको मिले जिससे कि ऐसी कोई समस्या जो विकास के आड़े आ रही है गांव में उसको आप दूर करें? देखिए हमारी प्रमुख मांग यह है सरकार से कि हमारे गाँव से जो लिंक रोड जाता है बहुत सारे गाँव सलाद हो रहे हैं उसकी हालत बहुत खराब है और वो ग्राम पंचायत नहीं करा सकती, बहुत बड़ा रोड है PWD करा सकती है अगर हमारे गांव को रोड ठीक हो जाए। ये लिंक रोड कहाँ से कहाँ होता है? ये हसनपुर रोड से संभल हसनपुर रोड से निकलता है और ये इधर अमरोहा जिले के जो संभल से लेकर के गजरौला की तरफ जाता है, ये संभल से गजरौला रोड से लिंक होकर के ये रोड जो है धवारसी को जाता है जो अमरोहा जिले का गाँव करता है। बहुत सारे गाँव रोड पर आते हैं, 20 से ज़्यादा गांव आते हैं और ये पूरा ही रोड खराब है। अगर ये रोड ठीक हो जाए तो हमारा गांव जो है बहुत साफ स्वच्छ हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी रोड पर है पानी का। पीने के पानी को हमने यहाँ पर देखा है, कई ग्राम प्रधान द्वारा बताया भी गया है कि आसपास के काफ़ी दूषित है, तो आपने बताया कि यहाँ पर टैंकी है उससे सुविधा मिल पाई है या अभी भी पीने के पानी को लेकर कोई दिक्कत है, दूषित पानी लोगों को मिल रहा है क्या? हमारे गांव में पीने के पानी को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का टैंक बनाया गया तो हर घर में पानी आता है। उसके अलावा जो हमारा दूसरा मजरा है नरोत्तम फ्राई वहाँ पर पानी को लेकर बहुत दिक्कत थी, वहाँ सरकारी नल में भी नहीं चल पाते थे, पानी बहुत दूषित था, तो वहाँ हमने जो है जो घरेलू वाले समर्थन होते हैं लगभग 6-7 स्थानों को समर्थन लगाए हैं और उससे लोग अपना पानी घर में भरते पाइप लगा कर उसके लिए वहाँ शुद्ध पानी मिले, शुद्ध पानी जी जी तो वहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, वहाँ पानी पीने लायक नहीं था बल्कि ऐसा पानी था कि वहाँ पर बहुत सारी बीमारी थी जिससे बहुत सारे बच्चों की मौत हुई थी। तो हमने वहाँ पर सात समर्थन लगाए हैं अलग अलग मोहल्लों में ताकि लोग अपने घर से पानी मिल लेते हैं और वो पानी से मिल जाए। अब जैसे कि अनलॉक है लेकिन बीमारी जैसी बल्कि कोरोना महामारी जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसके लिए अपने ग्राम वासी कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा और मैंने काफ़ी प्रयास भी किया कि सभी लोग मास्क लगाएं और गांव में हमने 3-4 बार सैनिटाइजर कराया है और हमारे गांव में 6 केस भी निकले थे जिसको हमने और लोगों को क्वारंटाइन भी कराया और उन लोगों का स्वस्थ होकर आ चुके हैं। और मैं सबसे ही ग्राम वासियों से यही अपील करूँगा कि इस अनलॉक में जो है सभी लोग मास्क लगा के और 2 गज की दूरी बना रहे हैं। जैसा कि आपने देखा ग्राम प्रधान से हमने यहाँ बातचीत की है, काफी विकास इस कार्यकाल में यहाँ अब तक करवाया जा चुका है, जैसे सीसी टाइल्स कार्य, सड़क निर्माण, स्कूलों का सौंदर्यकरण, पंचायत भवन का नवनिर्माण सौंदर्यकरण, इसके साथ ही एक सराहनीय कार्य जो कि थाने का सौंदर्यकरण भी यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा करवाया गया है।
साथ ही यहाँ पर जो गांव का दूसरा मजरा है जहाँ पीने का पानी इतना दूषित था कि वहाँ लोगों की मौत भी, बच्चों की मौत तक हो चुकी है पीने के पानी की वजह से, वहाँ ग्राम प्रधान द्वारा पीने के पानी की सुविधा मुहैया कराई गई लोगों को। इसके साथ ही यहाँ गांव में ओवरहैंड टैंक की सुविधा भी यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा मिली है। गरीबों को भी लॉकडाउन के चलते काफ़ी सहयोग यहाँ ग्राम प्रधान और संपन्न लोगों द्वारा कमेटी बनाकर दिया गया है, लेकिन कुछ समस्याएं अभी भी यहाँ बाकी हैं। जैसे कि कुछ परिवार अभी यहाँ ऐसे हैं जिन्हें आवासों की ज़रूरत है, कुछ रास्ते अभी भी कच्चे हैं जिनका पक्का होना बाकी है। इसके अलावा जो प्रमुख समस्या यहाँ ग्राम प्रधान द्वारा बताई गई है वो एक लिंक रोड को लेकर है, जो PWD विभाग के द्वारा चाहते हैं कि वो पूरा हो, जिसकी वजह से काफ़ी समस्या यहाँ लोगों को आने जाने में आती है। और एक खास समस्या हम आपको बता दें जो कि आसपास लगभग सभी गांवों में सामने आई है और हम लगातार इस समस्या को उठाते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर यहाँ सबसे बड़ी समस्या है। लगभग 10-11 साल पहले से यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन ना तो उसमें कोई डॉक्टर है, ना ही दवाइयाँ हैं, ना ही कोई नर्स, किसी भी तरह की कोई भी फैसिलिटी यहाँ लोगों को नहीं मिल पाई है आज तक। मोदी सरकार से मेरा निवेदन है कि खास तौर पर इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ग्राम प्रधान की मांगों को पूरा करें। अशरफ अली के साथ नाजरीन गुजरन जी। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम सैयद अहमद अली जी। किस विद्यालय में आप यहाँ किस कार्य पद पर कार्यरत हैं? मैं यहाँ सहायक अध्यापक हूँ जूनियर हाई स्कूल बेगूसराय में, और अब यदि मार्च में मैडम रिटायर हुई है तो चार्ज मेरे पास आ गया है। चार्ज ग्राम प्रधान द्वारा विद्यालय में क्या क्या विकास कराया गया? देखिए, हमारे विद्यालय की स्थिति प्रधान जी के आने से पहले बहुत खराब, लेकिन जब से प्रधान जी इन्होंने जहाँ चार्ज दिया है ऐसा समझ लीजिए पूरे विद्यालय की काया पलट दी। हमारे यहाँ गहरे गहरे गड्ढे थे, ना कोई टाइल्स थी, दीवारें टूटी हुई थी, तो प्रधान जी ने इतना सहयोग दिया है कि हद से ज़्यादा सहयोग इसमें रहा है। हमारे यहाँ टाइल्स भी छाई गई हैं, ये बाउंड्री बहुत नीची बाउंड्री थी, टूटी हुई थी, प्रधान जी ने सारी बाउंड्री कराई है। समर से भी यहाँ हुआ टॉयलेट लेटरिन वो सब बनाए गए हैं, और समय समय पर प्रधान जी पूरा सहयोग हम लोगों को देते रहते हैं। पिछले 20 वर्षों में और जो इस समय वर्तमान में जो यहाँ पे विद्यालय में काम हुआ है, क्या उससे शिक्षा का कुछ स्तर बढ़ा है? बिल्कुल, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, बच्चों की जो संख्या है वो नामांकन हमारे यहाँ बहुत बढ़ा है, और बच्चों में रुचि बहुत काफ़ी लेते हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, सारी सुविधाएं हमारे यहाँ मौजूद हैं, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल में समय देते हैं ग्राम प्रधान विद्यालय के लिए, पूरी तरह से सहयोग देते हैं, आते हैं, देखते भी हैं और बच्चों से बात भी करते हैं, शिक्षा के स्तर पर बच्चों को जागरूक भी करते हैं।